किसान भाइयों, जैविक खेती गाय पालन चैनल में आपका स्वागत। आज हम आपको नए चैप्टर के साथ आए हैं, जिसमें हम आज आपको लिक्विड खाद बनाने के बारे में जानकारी देंगे, जो आसानी से बन सकता है और बहुत ही पावरफुल लिक्विड खाद है। तो बिना वीडियो के स्क्रिप्ट किए लंबे समय तक पूरा देखिए, और इसमें हम विस्तृत जानकारी देंगे कौन कौन से कंटेनेंट होते हैं, कैसे बना सकते हैं। ये आपने घर पे आसानी से आप बना सकते हो। तो इस प्रकार से आप ये उपले ले सकते हो, हम उपले बोलते हैं इसको, कंडे भी बोलते हैं, और हमारे यहाँ लोकल भाषा में इसको छाना बोलते हैं। तो आप ये बता, आपकी लोकल भाषा में इसको क्या बोलते हैं, इसके बारे में आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो आप ये ले लीजिए, ये आपको गाय के गोबर के ही लेने, बिल्कुल सूखे हुए, और 1 लीटर पानी में 1 कंडा काम में लेना है। तो आज ये हमारा जो ड्रम है वो 100 लीटर का पानी का है, तो हमने 100 लीटर में करीब ये 10 लिए हमने, बिल्कुल सूखे हुए, और ये हमने गुड़ लिया है। बनाने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आपको ये दो चीज तो ये लेनी है, इसके अलावा आपको गुड़ लेना 1 किलो, और 200 लीटर पानी है तो 2 किलो लेना, और आपको इसमें पानी लेना, पानी ले सकते हो आप हम, और पानी के अलावा हम इसमें 50% पानी और 50% इसमें हम बेस्ट डिकम्पोजर डालेंगे, ताकि ये जल्दी डिकम्पोज हो जाए। तो इस प्रकार से तैयार कर दिया, आप देखिए इसमें बिल्कुल ये खा लिए। हम आपको लाइव इसलिए बना के दिखाते हैं कि ताकि किसान भाई कोई भी दवाई बनाए तो उसमें कमी ना हो और उसमें चूक ना हो। इस प्रकार से हम लाइव आपको बिल्कुल ये ऑर्गेनिक जो लिक्विड खाद है वो बना। तो इस प्रकार से हम ये ड्रम ले लिया, और ड्रम में इस प्रकार से हम जमा रहे, इस प्रकार से इसको दोनों तरफ इस प्रकार से जमा रहे, देखेंगे। और जमाने के बाद में आपको इसमें क्या होता है कि ये हल्के होंगे, पानी डालते ऊपर आ जाएंगे, तो आपको इस प्रकार से इसके ऊपर एक पत्थर रख देना ताकि ये ऊपर की तरफ ना आए, और इसमें ये गुड़ डालना है। गुड़ आप लिक्विड डाल सकते हैं, ये भी डाल सकते हैं, ये हमने इसमें ये डाल दिया, कवर कर दिया। अब इसमें हम हमारे पास पहले से बना हुआ हमारा बेस्ट डिकम्पोजर वो डाल दें, इस प्रकार से इसमें डाल दें। हमने इसके अंदर बेस्ट डिकम्पोजर से 100 लीटर डाल दिया और अच्छी तरह ये डाल दिया। आप मानिए कम से कम 3 से 4 दिन में बन के तैयार हो जाएगा, और फुल ब्लैक ब्लैक कलर का हो जाएगा। उसके बाद में तैयार हो जाएगा, तब आप इसको लिक्विड खाद के रूप में काम में ले सकते हैं। तभी अच्छी तरह ये इसको हम रख देंगे। आप एक इसको रखने का काम छायादार जगह पे करना आपको, और 4 से 5 दिन वाला इसमें जो बेस्ट डिकम्पोजर के अंदर जो गुड बैक्टीरिया होता है उनकी संख्या बढ़ेगी, और जो लिक्विड खाद की मात्रा है वो 4 गुना बूस्ट हो जाएगी। इस प्रकार से हमने तैयार कर लिया है। आज इसको 4 दिन हो गए, और 4 दिन बाद में इसका जो कलर है वो बिल्कुल ब्लैक हो गया, और हमने जो पत्थर लगाया है वो उठा के दिखाते हैं आपको। ये जो इसके अंदर है जो बिल्कुल लिक्विड की जैसे ये हो गई है, इसमें से जो हमने 10 लगाए उसमें से 4 से 5 तो नीचे की तरफ दब गई है, और 1-2 है जो खाद के रूप में हो गए। अब आपको इसको इस प्रकार से हटाना है, और इस प्रकार से इसको बिल्कुल फिक्स रखना है आपको। और अब आपको ये करना है कि ये जो खाद है वो तैयार हो गया है, अब ये आपके पास लिक्विड खाद है, इसकी जो प्रॉपर्टी है न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़िया, इसमें नाइट्रोजन है 40% और इसमें 20% पोटेशियम है और 20% फॉस्फोरस, तो ये लिक्विड खाद तैयार हो गया। आप इसको तीनों काम में ले सकते हो, डिंचिंग में काम में ले सकते हो, आप स्प्रे में काम में ले सकते हो, और वेंचुरी के माध्यम से आप चला सकते हो। आपको स्प्रे में काम में लेना है तो इसको 10:1 में लेना है, मतलब 10 लीटर आपके पास पानी है तो 1 लीटर आपको ये डालना है और स्प्रे करना। स्प्रे करने का काम आपको सुबह या शाम के समय करना है, तो ये आपके लिक्विड खाद के रूप में काम करेगा। डिंचिंग में अगर आपको 100 काम में लेना है तो प्रत्येक जो सब्जीदार पौधे हैं, मैं ये जो बात बता रही हूँ आपको सब्जीदार पौधों के लिए बता रहा हूँ स्पेशल, और बड़े फलदार पौधों के लिए भी बता रहा हूँ, लेकिन अभी ज्यादा फोकस सब्जीदार पौधों के ऊपर है। तो आप ये आप गार्डन में भी स्प्रे कर सकते हो और बड़े उसमें भी कर सकते हो। अगर आप इसको डिंचिंग में काम में लेना है तो आप इसको 100 लीटर पानी में 10 लीटर ये डालकर आपको डिंचिंग करनी है। डिंचिंग करने का काम आपको पहले ड्रिप में पानी चलाना है,
पानी एक घंटा चलाने के बाद में प्रत्येक पौधे में आप इसे 30 से 40 ग्राम डालनी है और उसके बाद में फिर एक घंटा पानी चलना ताकि इसकी जड़ों में चल जाए। ये लिक्विड खाद आपके डीएपी और यूरिया से भी 1000 गुना ताकतवर है और सीधा पोटेशियम और फास्फोरस है। और सबसे बड़ी बात है इसमें कि गुड डालने से आपके क्या होता है, गुड बैक्टीरिया बढ़ जाता है और जो जितने भी हमारे न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ाने वाले पोषक तत्व होते हैं वो मिट्टी में बढ़ जाते हैं। दूसरा, ये वाटर होल्डिंग का काम भी करता है, जैसे कम पानी होता है उसको भी कम पानी में भी पौधा ग्रोथ कर लेता। दूसरा, पौधे की न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ती है इसकी। चौथा सबसे बड़ा काम है कि ये जो पौधों की जड़ों को विकास करता है, जो अपने भूमि के अंदर जितने भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको उपजाऊ बनता है और जो गुड बैक्टीरिया होता है या उसकी संख्या बढ़ा देता है। चौथा सबसे बड़ा है कि मिट्टी के कार्बन लेवल को बढ़ाता है। इस प्रकार से आप इसको करना, और अगर आप वेंचुरी में चलाना है तो एक एकड़ के अंदर आप इसको 200 लीटर पानी वाला ये जो ड्रम होता है वो चला सकते हो, तो वह पर्याप्त है। ये तो आपके सब्जीदार पौधे के। दूसरा, आपका अगर जैसे पड़े फलदार पौधे हैं तो उसमें आप इसको तीन से एक पौधे में, अगर पौधा एक साल का है तो इसमें एक लीटर डालिए आप। एक लीटर डालने का अनुपात है वही 20:10 में डालना, 20 लीटर पानी में एक लीटर ये डालना, उसके बाद में एक एक लीटर डालना और पानी के साथ डालना। और अगर आपका पौधा 2 से 3 साल का है, 2 से 3 साल का है तो 10:2 लीटर का हमें डालना है, 10 लीटर तो पानी डालना है, 2 लीटर ये डालना, और उसके बाद में आप प्रत्येक पौधे में 2 से 3 किलो आपको डालना। डालने के लिए आपको जैसे फ्रूटिंग वाला समय उससे पहले डालोगे तो फ्रूटों की संख्या बढ़ेगी। आप इसका स्प्रे में काम ले सकते हो, स्प्रे में बढ़िया रिजल्ट देगा। तो इस प्रकार से 4 प्रकार से आपको काम देगा और वाटर होल्डिंग का काम करेगा। दूसरा, आपने जो ये उपले डाले आप इसको 3 से 4 बार काम में ले लोगे, उसके बाद में जो उपले हैं उनको आप उपले हैं उनको लिक्विड खाद को इसको निकाल के, निकालने के जस्ट बाद में आपको इनको थोड़ी देर सुखाना, फिर इसमें आपको बकरी की मींगनी का खाद और थोड़े केचुए का खाद, बकरी का मींगनी का खाद 2:1 में, केचुए का खाद 1:1 में, और आप इसमें नीम की खल डालकर आप इस अपने अपने पेड़ों में खुराक के रूप में दे सकते हो, तो इसमें दीपक नहीं लगेगी। दूसरा, लिक्विड कार्बन लेवल बढ़ेगा मिट्टी का और उपजाऊपन बढ़ेगा। तो इस प्रकार से उपलों से आप ये खाद बना सकते हो, ये बहुत ही पावरफुल खाद है और ये हम नए पेड़ों के ऊपर पिछले 2 से 3 साल से यूज में ले रहे हैं। उत्पादन 4 से 5 गुना बढ़ रहा है और जैसे जैसे आप इसका, अभी आप एक बार इसको बनाओगे तो इसको 3 से 4 बार काम में ले सकते हो, 3 से 4 बार पानी डाल के काम में ले सकते हो, फिर उसके बाद में खत्म हो जाएगा, फिर आपको नया बनाना पड़ेगा। तो एक बार बनाओगे तो आपके लिए 2 महीने के लिए पर्याप्त हो जाएगा, 2 महीने बाद में फिर नया बनाना पड़ेगा। तो इस प्रकार से आप ये बना सकते हो और लंबे समय तक चलने वाला है, इसमें कोई विशेष खर्चा नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपको गोबर के उपले गाय के गोबर के ही काम में लेने, भैंस के उनके नहीं लेने, क्योंकि गाय के गोबर के अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बढ़िया होते हैं और जमीन के लिए बेस्ट होते हैं, गाय मतलब देसी गाय। तो आपको अगर उपले उनके काम में लेकर इस प्रकार से आप दवाएं बनाते हो तो लंबे समय तक चलेगी और बढ़िया रिजल्ट आएगा। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी जानकारी आपको बढ़िया लगी हो। चैनल पे नए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसी रोचक जानकारी के लिए हमारी वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं ऐसे वीडियो, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।